पाली लोकसभा सीट पर पीपी चौधरी की जीत की हैट्रिक, वोटिंग शेयर कम हुआ, जानिए क्या कर रहे जीत हार के कारण। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले पाली में पीपी चौधरी जीत की हैट्रिक लगाकर तीसरी बार सांसद बन गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की संगीता बेनीवाल को 2,45,351 के भारी मतों से हराया। वे पहले राउंड से ही आगे रहे और अंतिम राउंड तक बढ़त बनाए रखी। भोपालगढ़ विधानसभा को छोड़कर शेष सभी विधानसभा में वे संगीता बेनीवाल से आगे रहे, लेकिन जीत की हैट्रिक लगाना इतना आसान नहीं था। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नाम से मिले वोट के अलावा वे कौन से पांच प्रमुख कारण रहे जिससे पीपी चौधरी की जीत का समीकरण बना और कांग्रेस हारी। भाजपा का वोट शेयर घटा, कांग्रेस हारी, लेकिन वोट शेयर बढ़ा। इस बार राजस्थान में भाजपा को कई सीटों पर नुकसान हुआ। पाली लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की संगीता बेनीवाल भले ही हार गईं, लेकिन पाली लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत 7.4% बढ़कर 37.82% तक पहुंच गया। इस बार भाजपा का वोट शेयर 10.26% घटकर 55.94% रह गया, जबकि वर्ष 2019 में दोनों पार्टियों का वोट शेयर में 35.72% का अंतर था, जो इस बार घटकर 18.12% रह गया। बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पीपी चौधरी को 9,149 वोट मिले थे, जबकि इस बार 7,57,389 वोट ही मिले, जो गत चुनाव से 1,42,760 वोट कम है। भाजपा की जीत के पांच बड़े कारण: जातिगत मजबूत वोट बैंक, ओबीसी का भाजपा की तरफ झुकाव। वैसे तो पाली जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पीपी चौधरी जिस जाति से आते हैं उस समाज के लाखों वोटर पाली जिले में हैं, जो जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। जिले के सोजत, मारवाड़ जंक्शन, पाली सहित जिले भर में सिरवी समाज के खासे वोट हैं। इसके साथ ही ओबीसी वोट बैंक का भाजपा की तरफ झुकाव ज्यादा होना, भाजपा का संगठन मजबूत होना। भाजपा पार्टी का पाली में संगठन काफी मजबूत माना जाता है। बूथ लेवल तक कार्यकर्ता एक्टिव हैं, जिसका फायदा चुनाव में दिखता है। साथ ही आरएसएस भी चुनाव में भाजपा को चुनाव में अपना पूरा योगदान देता है, जो प्रत्याशी के लिए प्लस पॉइंट जैसे रहता है। मोदी के नाम पर एससी एसटी वोटों का झुकाव, लोग प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी से भी ज्यादा लोग मोदी को जिताने के लिए वोट देते हैं। उसकी का कारण रहा कि पाली में भी भाजपा प्रत्याशी को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एससी एसटी वोट भी खासे मिले।